मेरा नाम एजाज खान है और लोग मुझे प्यार से चुनटू कहते हैं। मैं 35 ईयर्स से सीड बना रहा हूँ। हम लोग आदमी की हाइट, बॉडी और उसकी कट काटी के हिसाब से ही सीड बनाया करते हैं। मुझे एक शौक था कि मोटरसाइकिल चलाने का, तो मैं अपनी शॉप पर आया करता था, अपने बड़े भाई से मिला करता था। उस दौरान मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कम्फर्ट सीट हुआ करती है। आप भले से आप 2 घंटा चलाइए या 10 मिनट चलाइए, जिनका हाइट बॉडी ज़्यादा होता है तो हम लोगों को स्पंज ऐड करना होता है। फीमेल का वेट ज़्यादा होता है और हाइट कम होती है, तो इसके लिए उसको कंफर्ट करने के लिए हमें सीट उसको डीप करनी होती है, साइड के पोजीशन कम करने होते हैं, उसके पैर नहीं फैले या पैर ऐसे बाहर नहीं आए, ऐसा इतना अनकंफर्टेबल नहीं लगे। फिल्म स्टार सलमान खान, उनकी मैंने जेट्सके की सीट बनाई है। उनके फादर सलीम खान, उनकी ट्राइम की सीट बनाई है। मैंने महेंद्र सिंह धोनी की सीट बनाई है। मैंने शाहरुख खान की सीट बनाई है, हौले हौले किल दिल की बनाई है। अली जफर चलाया करते हैं। मैंने धूम बाइक की सीट बनाई है। आदित्य चोपड़ा के भी यही वही प्रॉब्लम था, जिनके पैर नीचे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उनको वापस माइनस कर उनको कंफर्टेबल किया, तो वो पिक्चर के सीन्स आराम से ले सके। मैंने रेस 3 अभी मेरी अपकमिंग मूवी है जिसकी मैंने सीट बनाई है बॉबी देओल की। अभी लक्स गोल्डन अवार्ड में मैंने जैकलिन फर्नांडिस की सीट बनाई है, वो एंट्री थी उनकी। अक्षय पुलिस अवार्ड में अभी एंट्री किए थे, वो भी सीट मैंने ही बनाई है। सैफ अली बुलेट राजा की भी सीट मैंने बनाई थी। आर माधवन की पर्सनल बाइक की सीट मैंने बनाई है। धूम फर्स्ट की भी जॉन इब्राहिम वाली सीट कम्फर्टेबल मैंने की थी। काटे की भी संजय दत्त की मैंने बनाई है। संजय दत्त की पर्सनल बाइक की भी सीट बनाई है। काफ़ी हार्ली डेविडसन को डिज़ाइन किया है, बैनेली किया है, ट्राइम किया है, नॉर्टन किया है। ये सब जो कंपनी के डिज़ाइन होती है, जब इनमें प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको हम लोग क्लियर करते हैं। मेरी पर्सनल काइनेटिक होंडा है, जिसे मैंने मोटोक्रॉस काफ़ी चलाया है, डर्ट ट्रैक काफ़ी चलाया है, बहुत उस पर मैंने सफ़र किया है, तो मैंने अपने हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया है। जब काम स्टार्ट किया तो मेरा काम अच्छा था, तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई और बड़े बड़े लोग आने लगे, तो उनको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था, उनको बनाना बहुत अच्छा ज़रूरी था, तो बनाते बनाते ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। अब ऐसा हो गया है कि एकदम किसी को स्पेशल सीट चाहिए तो हमारे वहाँ आया करते हैं। एक अटैचमेंट है लोगों को हमारे पास सीट बनाने का। मेरी दुकान काफ़ी छोटी सी है, मैं जो भी डिज़ाइन करता हूँ मेरे शॉप पर ही बैठकर करता हूँ। और हमारे वहाँ तो ऐसा है कि काफ़ी बॉस्टिक का टेंशन है, अगर पंखा लगा देंगे तो वो हमारा सलूशन है वो सूख जाता है, तो इसके लिए हम लोगों को ना वो धूप में ही काम करना होता है। और जो भी काम होता है हमारे वर्कशॉप पर ही होता है, ये 6x4 में ही होता है। मैटर दुकान का नहीं होता है, मैटर बनाने वाले का होता है, मेकर का होता है कि वो किस तरह बनाता है। मुझे कोई टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरी सीट बनाई हुई है, मेरी सीट ही खुद बोलती है कि ये चिंटू ने बनाई है।